दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। इन विषय की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक। आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वार्ड के नगर सेवक से करेंगे हम सीधी बात और दे उन्हें सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है ये 5 साल का अनुभव, क्या किया जा सकता था, ऐसी तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वार। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं नगर सेविका मनीषा चक्रधर अतकरे, जो कि प्रभाग क्रमांक 4 से है। मनीषा मैडम, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा मैडम, ये बताइए, आपको आपका ये फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म में ही आप नगर सेविका चुनकर आई है, तो कैसा आपके बारे में कुछ हमारी जनता को बताइए आप। नमस्कार, मैं मनीषा अतकरे, प्रभाग क्रमांक 4, भरतवाड़ा मेरा प्रभाग है। पूर्व नागपुर में सबसे ज़्यादा आउटर बोले तो हमारा भरतवाड़ा प्रभाग है, जो 10 किलोमीटर यानी कि सबसे बड़ा और आउटर क्षेत्र का प्रभाग है। मैं सबसे पहले चुन के आई मैं मेरी जनता को, मेरे प्रभाग की जनता को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूंगी। उन्होंने अगर मुझे ये मौका नहीं दिया होता तो मैं आज समाज कार्य नहीं कर सकती थी और ना ही अपने प्रभाग का विकास कर सकती थी। पर मेरे इस क्षेत्र में आने का उद्देश्य ऐसा है कि हमारे पति जो कि चक्रधर अतकरे जी है, वो RSS से जुड़े हुए हैं और प्लस भाजप के वो पदाधिकारी रह चुके थे। पहले महामंत्री थे, फिर बाद में अध्यक्ष बने और उसके बाद हमारे घर में आए दिन बैठकें होती रहती थी। अध्यक्ष बनने के बाद, महामंत्री बनने के बाद RSS की भी बैठकें होती रहती थी, तो मैं उनसे जुड़ी हुई थी। ज़्यादातर मीटिंग वगैरह होना और फिर मीटिंग में वगैरह विषय रखना और उस मीटिंग के माध्यम से सभी से परिचय रखना, तो इसके माध्यम से सेवा करने का आपको मौका मिला। हाँ, है जुड़ने के बाद फिर महिला आरक्षित हुई सीट, तो मुझे मौका मिला और मेरी जनता ने भी बहुत विश्वास, हमारे केंद्रीय मंत्री सन्माननीय नितिन जी गडकरी, इनका भी आशीर्वाद और हमारे जो पूर्व नागपुर के कार्य सम्राट हम कहते हैं उनको, जो कृष्णा भाऊ खोपड़े जी पितृतुल्य है, उन्होंने भी बहुत ही आशा जताई, उन्होंने बहुत ही हम पर विश्वास जताया और मुझे मेरी जनता ने चुन के दिया और मैं उनके काबिल बनी कुछ तो भी करने के लिए। मनीषा दाई, ये बताइए कि आपका जो प्रभाग है भरतवाड़ा का, वो बहुत ही आउटर साइड है और वहाँ समस्याएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो वैसे तो समस्याएं सबकी अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन आपके भरतवाड़ा की बात करें तो वहाँ पर रोडों की बहुत ज़्यादा समस्या, तो आप उसको कैसे सेट कर रही हैं? रोडों की समस्याएं थी मैम जी, पर हम लोग जब से 2017 से चुन के आए, हमारे सन्मान्य नितिन जी गडकरी, हमारे सन्मान्य आमदार पूर्व नागपुर के, उनके माध्यम से हमने बहुत सारे काम अपने प्रभाग में किए। हमारा 100% आउटर क्षेत्र था मैम और 70% अभी डेवलप हुआ है, क्योंकि हमारे प्रभाग में सबसे मूलभूत सुविधा बोले तो पानी की बहुत ही तकलीफ थी। अच्छा, पानी की और लाइट की भी, यानी कि प्रकाश व्यवस्था का कुछ भी वहाँ पे कुछ भी यानी कि थी, पर इतनी ज़्यादा लाइट की बातें कर रही हैं। स्ट्रीट लाइट तो बहुत ही ज्यादा पैमाने में हमने डाले हैं। सबसे पहली समस्या पानी की थी दीदी मैम, तो पानी की ऐसी समस्या थी कि कम से कम 400-500 टैंकर मेरे प्रभाग में, फेरिया हमारे प्रभाग में होती थी। अच्छा। और उन महिलाओं के फोन, जब से पहले सबसे पहले चुन के आने के बाद महिलाओं के इतने फोन आते थे कि ताई टैंकर चाहिए, ताई हमारे प्रभाग में टैंकर की समस्याएं बहुत है, और ये सब मैं रूबरू वो महिलाओं से होती थी, तो मुझे पता चला कि नहीं, एक महिलाओं को दिन भरे में काम करने के लिए पानी की आवश्यकता बिल्कुल बहुत ज्यादा होती है। मैम, ये बताइए कि आपने अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए किस तरह से फेरबदल किया, जैसे पहले पानी की समस्या थी तो पानी की समस्या ना हो इसके लिए क्या उपाय किया है आपने? पानी की समस्या ना हो इसलिए मैंने सबसे पहले, क्योंकि टैंकर बुलाना कोई पर्याय नहीं है। हाँ हाँ हाँ
पानी की समस्या जो थी वो सबसे पहले टैंकर आते थे और हमारे प्रभाग की महिलाएं विशेषतर टैंकर पे जाती थी, टंकी पे जाती थी और टैंकर पे बैठ के आती थी और अपने घर का काम करती थी। अच्छा। पर मैं चुन के आने के बाद एक महिला होने के नाते हमने सबसे पहले जब कार्यक्रम हुए हमारे प्रभाग में सत्कार की, उस सत्कार समारंभ के कार्यक्रम का उद्देश्य मेरा यही था कि महिलाओं को मैंने बताया बड़े पैमाने पे कि आप टैंकर पे न जाए, आप एक फोन हमारे ऑफिस में कीजिए। मैंने उनको नंबर दिया और उस नंबर के माध्यम से सुबह शाम के 6 बजे तक आपके द्वार टैंकर आ जाएगा। तो वो 1 साल तक वो सिलसिला चलता रहा। अच्छा। परंतु हमारे केंद्रीय मंत्री जो है गडकरी साहब, इनकी संकल्पना से अमृत योजना इनकी संकल्पना थी कि हर प्रभाग में हर घर नल कनेक्शन देके हर घर में पानी पहुंचाना अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। तो इनके मार्गदर्शन में, इनकी संकल्पना में और हमारे कृष्णा भाऊ जी जो खोपड़े हैं आमदार हमारे, उनके माध्यम से हमने हर घर, हमारे पूरे जितने भी प्रभाग में जितने भी तलमल लेआउट हो बड़े बड़े, यानी कि कम से कम 1415 एरिया ऐसे थे कि बहुत ही वहाँ पे पानी की समस्या थी। वैसे तो पूरे क्षेत्र में 30% क्षेत्र में नल की लाइन थी, पर तलमल लेआउट हो, गुलमोर नगर हो, क्या बोलते हैं अपना, फिर दुर्गा नगर हो, शिवशंभू नगर हो, भोलेश्वर नगर हो, इतने एरिया में मैंने सबसे ज़्यादा पानी की पाइपलाइन डाल के हर घर में नल कनेक्शन देकर आज वहाँ 24/7 पानी देने का सबसे पहला कार्य हमने किया। और दूसरी बात बोले तो गटर लाइन की समस्या हमारे प्रभाग में बहुत थी कि आए दिन वो प्रभाग में बड़े बड़े गड्ढे भरे रहते थे पानी की वजह से, सीवर लाइन न होने की वजह से। तो हमारे प्रभाग में कटरे सोसाइटी ऐसी थी कि उस 25-30 साल से लोग रह रहे थे, पर वहाँ पे गटर लाइन की या फिर वेस्ट वाटर लाइन की बहुत ही वहाँ पे अभाव था। बड़े बड़े सुअर वहाँ पे बैठते थे। तो एक दिन वहाँ की महिलाएं मुझे मिलने के लिए आई और उन्होंने बताया कि दीदी ऐसी ऐसी समस्या है, सभी आश्वासन देके जाते हैं पर यहाँ पे गटर लाइन का काम अभी तक नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने अधिकारियों को वो साइट बताई और वो साइट बताने के बाद वहाँ पे हमने 4-6 महीने में ही वहाँ पे गटर लाइन डालकर उन लोगों की समस्याएं हल कर दी। उसके बाद बड़े पैमाने पे हमारे क्षेत्र में वेस्ट वाटर लाइन नहीं थी, बहुत ही गंदा पानी, यानी कि जो एक्स्ट्रा का पानी रहता है अपने जो मूलभूत गरज रहती है, तो वो एक्स्ट्रा का पानी छोड़ने के लिए भी कुछ व्यवस्था हमारे प्रभाग में नहीं थी। पर मैं अपने आमदार जी का जितना दिल से या फिर धन्यवाद दूंगी उतना कम है, क्योंकि उनके माध्यम से मैंने जितना फंड हमारे प्रभाग में लाया है शायद ही मुझे लगता है कि किसी नगर सेवक ने अपने प्रभाग में लाए होंगे, क्योंकि हमारे आमदार जी है उन्होंने इस समस्या का पूरा जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को बताया कि आप, मनीषा ताई ने ये समस्याएं अपने सामने प्रभाग की रखी है तो आप जाके देखिए और वो काम कैसा है उसकी तुरंत फाइल बनाइए। और वो अधिकारियों को बुला के हमने, हमारी पूरी टीम मैम ऐसी है प्रभाग की, 50-100 लोगों की टीम हमारी भाजपा की है, सभी पदाधिकारी चाहे वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हो, चाहे महिला आघाड़ी के अध्यक्ष हो, चाहे फिर प्रभाग के हमारे अध्यक्ष हो, हमारे जितनी भी 50 लोगों की टीम है हमारा टीम वर्क रहता है और इनके माध्यम से सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और जो भी काम हो वो डिस्ट्रीब्यूट करके हम एकमेक की मदद से सभी अधिकारियों को घुमाना, फिर वो समस्या से रूबरू करना और वो फाइल बनाकर नागरिकों के बीच वो काम लाना और उसके माध्यम से लोगों को राहत रिलीफ देना, ये सबसे पहला कार्य हमारे हमारे प्रभाग में रहता है। और इसके माध्यम से मैंने बड़े पैमाने पर पहले तो नल लाइन की व्यवस्था की, उसके बाद सीवर लाइन की व्यवस्था की, उसके बाद बड़े पैमाने पर लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं था, आउटर क्षेत्र होने की वजह से नगर सेवक का फंड वहाँ पे नहीं चलता है और अनाधिकृत भाग हमारे प्रभाग में ज़्यादा होने की वजह से हमारे भाव के माध्यम से हमने वहाँ पे बड़े पैमाने में फंड लाकर वेस्ट वाटर लाइन हो बहुत से प्रभाग बहुत सी एरिया में या फिर डामरीकरण का कार्य हो वो अभी तक ही चल रहा है। कम से कम 70% प्रभाग मेरा अभी डामरीकरण हो गया है, ऐसा कहने में मुझे कोई भी अतिशयोक्ति नहीं लगेंगी मैम। और ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि फर्स्ट टर्म में, मतलब राजनीति का तो थोड़ा बहुत अनुभव था आपको, लेकिन फर्स्ट टर्म में ही आपने जनता के लिए इतने सारे काम कर दिए, वो भी जो डेवलप नहीं थे,
तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है और ख़ास करके आपके वार्ड के लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि उनको एक ऐसी नगर सेविका मिली है जो उनके सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो न सिर्फ सुनती है बल्कि पूरा करके भी दिखाती है। मैम ये बताइए कि आपके वार्ड में गार्डन्स की हमने सुना है कि बहुत सारी समस्याएं, बुज़ुर्ग लोगों को खास करके दिक्कतें आती है, तो क्या इस प्रकार की कोई समस्या आपके पास आई है? बुज़ुर्ग लोगों के लिए बैठने के लिए कहना चाहूँगी कि हमारे जो नितिन जी गडकरी है केंद्रीय मंत्री, उनके माध्यम से वयोश्री योजना हमारे प्रभाग में आपने देखा होगा कि पूरे नागपुर शहर में वयोश्री योजना का बहुत ही बोलबाला हुआ है और हमारे ज्येष्ठ नागरिकों को ये बड़े पैमाने में लाभ मिला है, क्योंकि ये वयोश्री योजना उन लोगों के लिए थी जो दिव्यांग थे। वो 18 के यानी दिव्यांगों के लिए तो कोई उम्र नहीं थी, परंतु ज्येष्ठ नागरिक जो भी है 60 साल के ऊपर, उनके लिए यह योजना बहुत ही फायदेमंद हुई। हमने कम से कम 200-250 लोगों को खुद अपने बस हमारे लिए बस की व्यवस्था की थी। जगह जगह हम बस लगाकर उन बुजुर्गों को गाड़ी में बैठाते थे और गाड़ी में बिठाकर हम सुरेश भट्ट लेके जाते थे और उसके बाद हम उन्हें घर तक पहुंचाते थे हमारी पूरी टीम के माध्यम से। क्योंकि मैं यह नहीं कहना चाहूँगी मैम कि ये मैंने किया है, ये मैं कहना चाहूँगी कि ये हम सब ने किया है, क्योंकि हमारी जो टीम है, हमारा टीम वर्क रहता है, इसके माध्यम से काम बहुत ही मजबूती से होता है। और वो बुज़ुर्गों को घर से घर तक छोड़ने तक उसके 6 महीने के बाद उनको इतना अच्छा सामान सन्माननीय नितिन जी गडकरी जी के माध्यम से और हमारे कृष्णा भाऊ खोपड़े जी के माध्यम से मिला है। और लोग आज इतने बड़े पैमाने पर बड़े बुज़ुर्ग लोग खुश है कि इतना अच्छा सामान, दिव्यांगों को साइकिल हो, बुज़ुर्गों को काठी हो, या फिर उन्हें व्हील चेयर हो, बड़े जो भी उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें उनको जो सामान मिला है उसके माध्यम से वह बहुत ही खुश है। और आज अब आपने पूछा है कि बुज़ुर्गों के लिए जो गार्डन की व्यवस्था है, मैम मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि हमारे प्रभाग में ऐसे 8 गार्डन है जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से, हमारे कृष्णा भाऊ के माध्यम से 7.5 करोड़ की निधि के काम तो अभी शुरू है हमारे प्रभाग में। गार्डन का फंड अलग है, तो वो 8 गार्डन के काम भी हमारे प्रभाग में अभी शुरू है, क्योंकि मैंने सबसे पहले महत्व जो दिया है वो विकास काम के लिए दिया है मैं। क्योंकि बहुत ही विकास कामों का अभाव था, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं पूरी करनी थी, पानी की हो, बिजली की हो, रोड की हो, या फिर इतर समस्याएं हो। सबसे पहले मैंने मूलभूत सुविधाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि पहले चलने के लिए रास्ते होने चाहिए, पीने के लिए पानी होना चाहिए, सीवरेज लाइन होनी चाहिए, वेस्ट वाटर लाइन होनी चाहिए, और महिला अधिकतर खुश होना चाहिए। क्योंकि एक महिला होने के नाते मुझे ऐसे लगता है कि एक महिला अपने घर में जैसे अपने 4 बच्चों को पालने के लिए जो वो कर सकती है, वो तो ना तो जो प्रयत्न रहता है उसका, वो प्रयत्न मैंने अपने प्रभाग में किया है और आने वाले दिनों में भी मैं करती रहूंगी। और जो बुजुर्गों के लिए आपने जो सवाल पूछा था, वो बुजुर्गों के लिए अभी गार्डन का काम। मैम आपके वार्ड में जैसे पानी की समस्या तो बहुत सालों से थी, ये हमें भी पता है, और अभी आप उसको ठीक भी कर रही हैं, जैसे टैंकर से आपने पानी नल की व्यवस्था कर दी है, तो बहुत सारी चीज़ों में आपने पानी की जो समस्या लगभग वो खत्म कर दी है, लेकिन आपके वार्ड में अब भी कचरे से संबंधित समस्याएं बहुत हैं। तो एक ओर तो देश को स्वच्छ बनाने की पहल की जा रही है और दूसरी ओर भरतवाड़ा में कचरे को लेकर बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि वहाँ नागरिकों का कहना है कि एक एक दिन के आड़ पे कचरे की गाड़ी आती है, तो इन सब के पीछे क्या रीज़न है? नहीं मैम, कचरे की समस्या तो नहीं है, क्योंकि आए दिन जिसका भी फोन आए मेरे प्रभाग के जो भी नागरिक हो, बुजुर्ग हो, मेरे भाई हो, मेरी माता है हो, या फिर मेरी बहन हो, जैसे ही फोन आया तो मैं तुरंत हम लोग सभी एक्शन लेके अधिकारियों को वहाँ बुला के फोन करके वो कचरे की समस्या कैसे हल करनी चाहिए इसका हम सबसे पहले एक ये करते हैं कि ये कचरे की समस्या होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि नरेंद्र जी मोदी जी का सपना है कि स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छ अभियान वो ऐसा है कि हमारे प्रभाग में गाड़ियाँ निरंतर आती है। ये समस्या कब उत्पन्न होती है? जब इनकी स्ट्राइक वगैरह रहती है। वैसे तो बीवीजी का काम हमारे प्रभाग में अच्छा है और हमारे एक फ़ोन पे अधिकारी लोग आते हैं और हमारे प्रभाग की समस्याएं भी
हल होती है। अब छोटी मोटी समस्या है तो फिर वो चल, लेकिन गड्ढों की समस्याएं अभी भी आपके प्रभाग में बनी है, आए दिन वहां दुर्घटनाएं होती रहती है। और अभी भी जैसे हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि आपने कई जगहों का जो है वो डामरीकरण किया है, लेकिन कुछ जगह अभी भी बचे हैं, गड्ढे बुझ नहीं पाए, तो क्या कारण है इसका? मैम, हमारा भरतवाड़ा जो रोड है वो बहुत ही रहदारी वाला एरिया है, बाजू में कलमना मार्केट परिसर लगा हुआ है, भारी भरकम गाड़ियों की आवाजाही हमेशा। तो ऐसा है कि पहले वो टैंकर पे निर्भर था हमारा प्रभाग, तो टैंकर की वजह से बहुत ज्यादा गड्ढे हुए थे मैम। और बारिश इस साल इतनी मेहरबान रही कि दिवाली में मुझे लगता है कि छाता आप बाहर रख दो, और जो रंगोली महिलाएं निकालती थी उनकी भी, यानी कि दिवाली में, वो दिवाली के पहले पहले ही थोड़ा सा बारिश रुकी हुई है। और बड़े बड़े टैंकर हमारे प्रभाग में चलते हैं, 70% तो एरिया चार्ज हमने कर दिया है मैम, पर 30% अभी भी बचा है, जो हमारा नौकन्या नगर परिसर हो, विजय नगर का परिसर तो हमने कर दिया है, धर्म नगर परिसर हो, ऐसे दो तीन बड़े बड़े परिसर जो है वो हमारे 30% एरिया मात्र, अभी 500 टैंकर से लेकर अभी 40 टैंकर पर वो एरिया हमने लाया है। तो 40 टैंकर का एरिया हमको अभी पूरा टैंकर मुक्त करना है, इसके लिए हम लगे हुए हैं मैम। और वो जो गड्ढे की समस्या है, वो आए दिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से हमने कम से कम 4 बार अधिकारियों को बुला के, और अधिकारियों ने भी हमें कोऑपरेट किया मैम कि सर हमारे प्रभाग में ऐसे ऐसे गड्ढे हैं, तो वो तुरंत 8 दिन हो या फिर 15 दिन लगते हो, क्योंकि नागपुर शहर में एक ही वो गाड़ी है पैचेस की, तो अधिकारी भी अपने इससे लगे रहते हैं कि मैम अभी कहाँ कहाँ भेजे, यहाँ भेजे, उस प्रभाग में भेजे कि उस प्रभाग में भेजे। तो अधिकारियों ने भी अच्छा साथ दिया है, कम से कम 4-5 बार मैंने बारिश जाने तक कम से कम वहाँ पे पैचेस लगाए, वहाँ पे जितना जो हो सके खरड़ीकरण वगैरह जो हो सके छोटी मोटी गिट्टी डालने का काम किया है, और थोड़ा सा रहदारी का प्रभाव होने की वजह से वो ये समस्या चलती रहती है। पर ऐसा है मैम, वो अभी रोड जो है भरतवाड़े का हमारा, वो स्मार्ट सिटी में है, और अच्छा। वो अंडरग्राउंड काम थोड़े से बचे हुए हैं, जब तक वो अंडरग्राउंड काम नहीं होंगे तब तक हम वो रोड भी नहीं ले सकते मैम, ये भी हमारे सामने एक दुविधा है, इसीलिए हमने वो अभी रोड, आप जाके देखोगे तो वो रोड अभी फिलहाल तो अच्छा है, जो कुछ बचे हुए काम है स्मार्ट सिटी के माध्यम से वो भी अभी नीति सैंक्शन हुआ है। आपने देखा होगा कि 2.5 साल हमारे कोरोना में गए, बिल्कुल बिल्कुल, और 2.5 साल हमारी सरकार नहीं थी, अभी अभी 6 महीने में आई है, तो इतने ज्यादा पैमाने में अभी विकास के कार्य हमारे प्रभाग में हो रहे हैं। मैम, इससे पहले आपने 30 लाख के सिवर लाइन के कार्य का भी विधिवत भूमि पूजन किया था, सही बात है ये? हाँ बिल्कुल सही बात है मैम, वो हमारे गौरीनगर का क्षेत्र है, 25 से 30 साल से लोग वहां पे रह रहे थे मैम जी, और उसके बाद वो गटर लाइन की समस्या इतनी थी कि आए दिन हम अगर प्रभाग में गए मिलने के लिए लोगों को, तो यही एक हमारे सामने समस्या रहती थी। तो कुछ लोगों का मानना था कि गटर लाइन डालो, कुछ लोगों का मानना था कि मैम वेस्ट वाटर लाइन डाल दो, तो हम लोग उस थोड़ा सा इसमें फंस गए थे कि पहले गटर लाइन डाली या फिर वेस्ट वाटर लाइन। फिर इसके बाद वो थोड़ा सा 1 साल के बाद सलाह मशवरा करके सभी लोगों का कहना हुआ कि मैम आप गटर लाइन ही यहाँ पे दीदी आपको डाल के देना है, क्योंकि हमको बहुत ही ज़्यादा गटर लाइन की समस्या है, जो सेफ्टी टैंक होते हैं हमारे वो 15-15 दिन में 1-1 महीने में भरते हैं, और इतना बड़ा खर्चा उठाने में हमें बहुत ही दिक्कत होती है। तो हमने हमारे आमदार जी से कहा, हमारे आमदार जी ने तुरंत इंजीनियर को वहाँ भेजा, पूरी एरिया का वहाँ पे जायज़ा लिया, और हमने सभी अधिकारियों को घुमाकर वो एक 40-45 लाख की गटर लाइन की फाइल तैयार की। अच्छा। और मात्र 3-4 महीने में वो काम हमने वहाँ पे ज़मीन पे लाया, और वहाँ पे बड़े अच्छे पैमाने में भूमि पूजन किया, और भूमि पूजन होने के बाद लोगों को आज हम, मैं वहाँ पे गई थी 2 दिन पहले ही, तो उन्होंने सभी महिलाओं ने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि अच्छा हुआ दीदी कि ये गटर लाइन हो गई, और आज वहाँ के लोग इतने खुश है कि बहुत ही ज़्यादा, और अभी आने वाले दिनों में वहाँ पे हमारे जो आमदार जी है कृष्णा भाऊ, उनके माध्यम से हमने वहाँ पे रोड का भी काम लिया हुआ है। मैम ये बताइए कि जैसे 5 साल का जो कार्यकाल था और फर्स्ट टर्म में ही आपने डेवलपमेंट से रिलेटेड इतने सारे कार्य किए हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि भी है, लेकिन 2.5 साल कोरोना के जो गए हैं, तो वो जो समय था वो न सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए बल्कि पूरे देश में ये महामारी जो थी उससे हर कोई अछूता नहीं था, लेकिन ऐसे समय में आपने अपने नगर से मतलब वार्ड के लिए कौन सी चीज़ें की? हमने सुना है कि आपने इस दौरान ब्लड डोनेशन को लेकर लोगों को बहुत जागरूक किया, तो जी मैम कैसा था वो समय और किन तकलीफ़ों से गुजरे थे आप? वो कहने में तो मुझे आज भी बहुत दुख महसूस होता है मैम, लोगों ने हमें चुन के दिया है, एक नगर सेवक नहीं तो एक सेवक बन के हमने
लोगों ने हमें चुन के दिया था, और हमारा एक ध्येय है मैम, सेवा है धर्म हमारा, इसको है करते जाना, जन मानस के बीच सौहार्द बढ़ाते जाना। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो उस पर भी खरा उतरना हमारा मूलभूत कर्तव्य है। क्या बात। जब कोरोना का काल था मैम, तब लोग बड़े पैमाने पे, पहले कोरोना का काल था तब बड़े पैमाने में उतना कोरोना नहीं था जितना सेकंड टर्म में हुआ, 2019 में शुरू हुआ। हाँ, तो सबसे पहले तो हमने सभी ने मिलकर, मैंने नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने ये शब्द मुझे भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हम पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि हमारा टीम वर्क रहता है, और जहाँ पे मैं रहती हूँ, जो हमारे नीचे में हमारे एक कोल्ले भैया करके है, उनका बहुत ही सहयोग मुझे मिला वो किचन में, मेरे बाबूजी है हमारे ससुर जी, उनका भी सहयोग मुझे उस कोरोना काल में मिला, क्योंकि लोगों, हमारा क्षेत्र आउटर होने की वजह से हमारे इधर के लोग बड़े पैमाने में क्या बोलते हैं उसे, बाहर काम पे जाते हैं, और घर में लाके वहाँ से आधा किलो आटा चावल खरीद कर घर में बनाते हैं। ऐसा हमारा क्षेत्र है। और जब कोरोना काल आया तब उनके लिए बाहर जाना, सब कंपनियां बंद, सब उद्योग धंधे बंद, तो ऐसे काल में वो कहाँ जाएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले एक बैठक ली घर पे, और एक किचन चलाने का हमने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। वो किचन की आज हम आपको बात बताएं मैम, तो सभी ने मुझे सहकार्य किया, 1.5-2 महीना वो किचन चला, कम से कम 250 डिब्बे रोज के हमारे बनते थे। जो हमारे कोल्ले भैया है, जो कि हमारे घर मालक, उन्होंने भी उसमें बहुत ही बड़ा सहयोग दिया। आज मुझे कहने में बहुत दुख हो रहा है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, जो दूसरा कोरोना का काल था उसमें वह चले गए। बहुत प्रयास किया हमने, पर नियति का के सामने हर कोई हाँ मजबूर होता है। बिल्कुल। तो पहले उनकी आज बता दूं, उनकी जो अच्छा कार्य उन्होंने किया है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य हमारे साथ सहयोग करके किया है। 200-250 डिब्बे हम घर में करते थे, और एक विशेष बात आपको बताऊं मैम, तो हमारी सब्जी और चावल हम लोग बनाते थे, टिफिन भी हम पैक करते थे, पर हमारे जो शिक्षक कॉलोनी का जो एरिया है, बाजू में आभा कॉलोनी हो या फिर तलमले लेआउट हो या फिर महादेव नगर हो, ऐसे उस एरिया में से हमारे घर में 10-10 रोटियां आती थी बराबर 4 बजे, क्योंकि रोटियां डालना बोले तो बहुत ज्यादा समय वहां पे बीत जाता है। तो हम सब्जी और चावल घर में बनाते थे, और रोटियां बराबर 4 बजे, हमने सबको मैसेज डाला था कि आपको अगर कोई सेवा करनी हो तो रोज की 10 रोटियां अपने घर से आप 4 बजे यहाँ पे लाके दीजिए। तो सभी लोगों ने 1.5 महीने तक 10-10 रोटियां अपने घर से गरम गरम बना के हमारे किचन में लाके दी, और हमने 250 डिब्बे रोज पैक किया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे सन्माननीय कृष्णा भाऊ, उनका जितना भी बोलो उतना मैं कम है, क्योंकि उनके माध्यम से और सभी पूर्व नागपुर के भाजप पदाधिकारियों के माध्यम से कम्युनिटी किचन जो हमारे पाटीदार भवन में चला है, वह कम से कम हमारा पक्ष का स्थापना दिवस है 6 अप्रैल, उस दिन से शुरू होके वह कम से कम 1.5-2 महीने तक वो किचन चला, और वो कम से कम 9,000-10,000 लोगों के डिब्बे वहाँ पे होते थे, और वो वहाँ के भी 250 डिब्बे मैं लेती थी और घर के भी 250 डिब्बे, ऐसे 500 डिब्बे रोज के हम नागरिकों तक पहुँचाते थे, क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी महिला, कोई भी बुजुर्ग, मेरा भाई भूखा ना रहे, इसका मैंने पूरा हमने प्रयास किया, और घर तक हमने टिफिन पहुँचाए। उसके बाद ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, जिसको भी ऑक्सीजन लगता था उसके ऑक्सीजन की व्यवस्था घर तक पहुंचाना, या फिर मेयो मेडिकल तक पहुंचाना, एम्बुलेंस पहुंचाना, दवाइयाँ, हाँ दवाइयाँ देना, और महानगर पालिका की टीम जगह जगह हमने तैनात की थी, क्योंकि कोरोना के काल में जो भी पेशेंट घर में मिलता था, क्योंकि किसी व्यक्ति का घर अगर एक रूम का है तो वो बेचारा कहाँ दूसरी जगह नहीं रह सकता था, तो ऐसे काल में हमने खुद उनके साथ रूबरू होके उनको समझाया कि आप कोरोना में थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए, और उसके बाद आप एक ही घर में रहते हो तो आप हमें बताइए। हमने उनको महानगर पालिका के माध्यम से अधिकारियों को भेज के, कर्मचारियों को भेज के, उन तक गोलियां या फिर सैनिटाइजर की व्यवस्था हो सब हमने उपलब्ध करा के दी, और रात में भी, दिन में ये कार्य चलता था, और फ़ोन तो ऐसे बजते थे मैम कि सुबह कब होती थी और कब रात होती थी पता भी नहीं चलता था, कब नहाने मिलता था, कब खाने मिलता था, ये भी हमें पता नहीं चलता था मैम, क्योंकि जो दूसरी स्टेप थी मैम कोरोना की, जो लहर थी दूसरी, बहुत डेंजर, उसमें वो इतनी डेंजर थी कि हमें पता ही नहीं चला कि
कि हमारे भी कॉलोनी में कम से कम बहुत प्रयास करने के बाद भी कम से कम बहुत सारे लोगों की आज हमारे काका हो, काकू हो या फिर हमारे दीदी हो, आज कहने में भी हृदय भर आता है कि हमारे जो पास के लोग थे वो भी आज चले गए हैं हमसे, जो कि बहुत अच्छे थे। और वो लोग आज चले जाने के बाद जो दुख एक फैमिली मेम्बर को होता है आप समझ सकते हो। और उसके बाद भी हम लोग रात में गाड़ियाँ बुलाकर महानगर पालिका के माध्यम से अधिकारियों को फोन लगाकर सैनिटाइजर करने का काम हमने बड़े पैमाने में किया मैम। और जो भी हो, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल करने की व्यवस्था हो या फिर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या फिर नागरिकों की कोई भी समस्या हो कोरोना काल में, वह उनके फ़ोन के माध्यम से या फिर वहाँ पहुँच कर हमने सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास किया है मैम। बस मैम क्या, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आपके कामों की जो आपने बताया है कि कोरोना काल में एक तो खुद का डर, फिर भी खुद की परवाह ना करते हुए आपने अपने एरिया के लोगों को प्रथम प्राथमिकता दी, और जो आपका टीम वर्क था वो सुन के तो मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि आज के समय में भी टीम वर्क करके इतना समाज सेवा का जो कार्य है वो जो आप लोगों ने किया है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोगों से भी प्रेरणा लेकर, अगर भगवान ना करे कि दोबारा ऐसे कोई महामारी से हमारा सामना करना पड़े, लेकिन कभी भी कोई भी इस तरह की समस्या होती है तो उसमें टीम वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आप टीम वर्क करते हो तो शायद एक तरफ से लगता है कि भगवान की भी आपकी कहीं ना कहीं मदद कर रहा है और हर किसी को खुश रखे। आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, इसके लिए आप हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा आपके लिए कि एक बार फिर अगर जनता आपको सेकेंड टर्म में मौका देती है नगर सेविका के लिए, तो ऐसे कौन से रुके हुए कार्य हैं जिसको आप प्रथम प्राथमिकता देगी? सबसे पहले तो मैं युवाओं को रोजगार, मैम ये बहुत ही बड़ी मेरे एक ध्येय है, क्योंकि हम लोग जब से चुन के आए तब से कम 10-12 युवाओं को रोजगार दिलवा दिया है, और कुछ 10-15 ऐसी महिलाएं हैं जिनको हमने प्राइवेट रोजगार दिया हुआ है। मेरा तो सबसे पहले फोकस अपने एरिया को डेवलपमेंट करना था, पर हमारी माता बहनें भी बहुत बड़े पैमाने पर पढ़ी लिखी हुई है, तो मेरा एक फोकस रहेगा कि उन माता बहनों के लिए मैं क्या कर सकूँ अपनी ज़िंदगी में। और जो बचा हुआ हमारा क्षेत्र है, जो 40% जो भाग अविकसित पड़ा हुआ है, उस क्षेत्र के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा विकास कार्य करने का मैं प्रयास करूँगी, क्योंकि अभी भी 30-40% में विकास कार्य होने का बाकी है। जो नौकन्या नगर का परिसर हो, हमारे धर्मनगर का परिसर हो, ऐसे प्रभाग में अभी हमने तो फिलहाल ही में हमने हमारे कृष्णा भाऊ के माध्यम से वहाँ पे 2 करोड़ का अभी तो फिलहाल में काम शुरू है, पर वो जो भाग है वो अभी डेवलप करने का मेरा सपना है। और सबसे ज़्यादा तो मैं रोज़गार पर भर दूंगी। आने वाले दिनों में अगर मेरी जनता ने मुझे फिर से एक बार प्रयास यानी कि एक विश्वास अगर जताया उन्होंने मुझ पर, तो एक सेविका बनकर मैं निश्चित ही उनके सपनों पर खरा उतरने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। और बहुत सारी जगह हमने मंदिरों से भी मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है, तो बहुत हमारे प्रभाग में जितने भी मंदिर है उन मंदिरों में गट्टू से लेकर सौंदर्यीकरण करने का भी मैंने प्रयास किया है। और उसके बाद हमारे क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र था मैम, भरतवाड़ा क्षेत्र, वहाँ पे ना एक दहन घाट था, वो बहुत ही ऐसे ही अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ा हुआ था, और वो दहन घाट को देख के बराबर ऐसे लगता था कि यह घाट कैसा है, क्योंकि वो घाट की परिस्थिति ऐसी थी जब चुनके आने के बाद। तो मुझे 2 साल तो उस दहन घाट को अधिकृत करके डेवलप करने के लिए लगे मैम, और वो घाट अनाधिकृत था। और जब वो घाट पर कोई मैयत वगैरह जाती थी तो खुद लकड़ियाँ अपने साथ गाड़ी में भरकर और पूरी सामग्री लेकर, और वो लाश जब तक जलती नहीं तब तक वहाँ हमारे भाई लोग खड़े रहते थे। पर ये समस्याएं मुझे जब पता चली वहाँ के नागरिकों से, तो मैंने सबसे पहले वो घाट को डेवलप करने का ध्येय हमारे मन में आया, और वो घाट आज डेवलप होके बहुत ही अच्छा सौंदर्यीकरण वहाँ पे मैंने किया है। और मुझे एक बहुत ही गर्व से कहने की बात ये कहती हूँ कि वो भी मेरे यानी कि 5 साल में एक बहुत ही जो मेरा सपना था वो भी लोगों के लिए मूलभूत सुविधा थी, वो भी एक घाट अच्छा बनकर तैयार हुआ है, और सर्टिफिकेट से लेके सब वहाँ पे सुविधाएं मैंने उपलब्ध करा दी है। और आने वाले दिनों में अगर मुझे जनता ने और मौका दिया तो निश्चित ही मैं
उनके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा कार्य एंड डेवलप हुआ जो कार्य है, क्योंकि पूरा कार्य 5 साल में करना बहुत ही कठिन बात है। जो 3-3 साल से नहीं हुए हैं वो 5 साल में करना बहुत ही कठिन कार्य रहता है, और जो कुछ भी बचा हुआ है, क्योंकि 100% रिजल्ट किसी कोई नहीं दे सकता है, फिर भी मैंने हमने देने का प्रयास किया है, और जो कुछ बचे हुए कार्य है वो एक मेरा सपना है, मेरा एक ध्येय है कि वो भी मुझे करना है। बस यही ध्येय के साथ मैं जनता से धन्यवाद करना चाहूँगी। मैम, हमारी पूरी BCM की टीम से और नागपुर मेट्रो समाचार की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इन BCM की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मेरे साथ आज प्रभाग क्रमांक 4 से जुड़ी थी मनीषा चक्रधर अतकरे मैडम, जिन्होंने भरतवाड़ा जैसे पिछड़े इलाके में डेवलपमेंट से रिलेटेड इतने सारे कार्य किए हैं। तो उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक बार फिर जनता अगर उन्हें मौका देती है तो जो अनडेवलप्ड कार्य है वो निश्चित रूप से पूरा करेगी। इनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि नेता नहीं समाज सेवक चुनो, जो आपकी सुने और आप उनकी सुने। हर पल रहेगा एक ही प्रयास, नगर की तरक्की, नगर का विकास। InBCN की खास मुलाकात में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आप देखते रहिए InBCN News। नमस्कार।